Hey guys, what's up everyone, welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you're watching Economics Easy Hai. Dosto, aaj main start karne wala hu apna naya chapter, that is chapter number 6, Economic Reform. Main aapko bata dun, this is most important chapter aur iske andar hame bahut kuch seekhne ko milega. Dosto, main bata dun, hum jis book ko follow kar rahe hain, that is Indian Economy by Ramesh Singh ka 12th edition. Dosto, Ramesh Singh ek aisi book hai jisko padhne ke baad aap koi bhi examination jisme economics ka part aata hai, aap aasani se tackle kar sakte ho. Itni moti book hai, hum puri book ko complete kar rahe hain. Aap hamare yahan par jaake playlist ko dekh sakte. सारी की सारी कंप्लीट क्लासेस आपको यहां पर मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको इसके बाहर कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. चलिए स्टार्ट करते हैं. दोस्तों, इकोनॉमिक रिफॉर्म का अगर ये टॉपिक देखें तो इसमें इतने सारे टॉपिक हैं. आज के क्लास में जो हमारा टारगेट रहेगा, हम पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म का, हम इकोनॉमिक रिफॉर्म पढ़ेंगे क्या होता है और इकोनॉमिक रिफॉर्म इंडिया में कैसा है, ये तीन टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे. आपने एलपीजी के बारे में कई बार सुना होगा कि आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. मैं आपको बताऊंगा इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी. आज की क्लास में आपको बताऊंगा व्हाई वी नीड इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1991, उनके पीछे क्या क्या लॉजिक्स हैं, क्या क्या रीजन है, वो सारी की सारी चीजें आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ. दोस्तों, अगर आप इस बुक से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको हो सकता है समझने में दिक्कत आए क्योंकि इस बुक में बहुत से टेक्निकल वर्ड्स यूज किए गए. तो आपकी सिंपलिसिटी के लिए मैंने इसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उनको ध्यान से पढ़ोगे तो ये जितनी चीजें लिखी हुई हैं बुक के एक एक लाइन आपको समझ आएगी. तो मैं स्टार्ट करूंगा अपने पास शॉर्ट नोट्स के साथ. चलिए, शॉर्ट नोट्स आपके ये रहे, यहां पर हमने ये देखो शॉर्ट नोट्स रख दिए. और अब मैं आपको इसकी ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ कि आखिर हमें अपने पास एलपीजी को क्यों स्टार्ट करना पड़ा, आखिर इंडिया में रिफॉर्म की क्या जरूरत पड़ी. दोस्तों, दिमाग को खोल लो क्योंकि आज के बाद आप कभी एलपीजी में कंफ्यूज नहीं होगा, ये वादा है मेरा. दिमाग को खोल लो, कैसे, सुनो. देखो, जब हम बात करें 1757 से लेकर 1857 तक, दोस्तों 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्म किया गया था इंग्लैंड के अंदर और उसने इंडिया में आके हमारे लिए प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए. स्टार्टिंग के फेज के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई कि हम उनके गुड्स को लेकर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, हमें उनके गुड्स चीपर क्वालिटी के लगने लगे, सॉरी हाई क्वालिटी और चीपर रेट पर वो अवेलेबल कराने लगे और हम उनसे उनके गुड्स खरीदने लगे. धीरे धीरे उनकी जो डिपेंडेंसी वो इतनी ज़्यादा बढ़ती चली गई कि उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय करके अपनी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाना शुरू किया. अब इसका बोलबाला हमारे इंडिया के अंदर हो चुका था और इसने हमारी इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया था. कॉलोनी का मतलब होता है अपने जो रिसोर्सेज है वो हम पे थोपने लगे और हम पर राज करना शुरू किया. ये बात थी ईस्ट इंडिया कंपनी की. तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग 100 साल तक कब्जा किया. उसके बाद सन 1857 को जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ तो देखा गया कि भाई यहाँ से तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज छूटा तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने हमारे ऊपर रूल करना शुरू किया. अल्टीमेटली 200 साल तक, वैसे 190 होते हैं बट 200 राउंड फिगर में बोला जाता है, लगभग 200 साल तक हमारी इंडिया जो है वो गुलामी सहता रहा, कोलोनियल राज के बारे में जो संघर्ष है वो सहता रहा. तो 200 साल तक जब हमने गुलामी सही तो भाई साहब हमारा एक माइंड सेट हो गया कि अब कुछ भी हो जाए, अब कुछ भी हो जाए हमें अपने देश को आज़ादी दिलवानी है क्योंकि पहला मकसद यही था, आज़ादी, आज़ादी और आज़ादी. हमारे कई सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान गंवाई. आप जान सकते हैं कि वो तीनों फांसी पे चढ़ा दिए गए थे, जिसमें आप कमेंट करके बताओ वो तीन लोग थे जिनको 14 फरवरी को यानी वैलेंटाइन डे के दिन उनको फांसी पे चढ़ाया गया. मतलब कई सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने अपनी जान को गंवाया लगभग 200 साल तक गुलामी सहने के बाद. तो फाइनली जाके 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और उसे इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा दिया गया. अब देखो, जब हमें आज़ादी मिल गई तो पहला हमारा टारगेट था आज़ादी, आज़ादी और आज़ादी जो हमें मिल गई. नाउ द पॉइंट इज कि आज़ादी के बाद इकॉनमी को चलाया कैसे जाए. भाई 200 साल तक तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट चला रही थी, उनके पास रिसोर्सेज थे, ब्रिटेन से पैसा वगैरह सब आ जाता था, लेकिन अब हमें सब कुछ अपने लिए करना है, अपने हिसाब से करना है. तो अब अपने हिसाब से करने के लिए हम उसको कैसे गवर्न करेंगे, सबसे बड़ा मुद्दा ये उठा. तो अब क्या उठता है, वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही देश की आज़ादी के बाद, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ये पूरी टीम थी, इनकी कैबिनेट की मीटिंग थी, उसमें ये देखा गया कि भाई हम कौन सी इकॉनमी को चूज़ करें. हमारे पास तीन ऑप्शन थे, सोशलिस्ट इकॉनमी, कैपिटलिस्ट इकॉनमी और मिक्स्ड इकॉनमी. आप जानते हो सोशलिस्ट इकॉनमी में कहा जाता है कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो पूरे के पूरे गवर्नमेंट कंट्रोल करें. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सही से सोशल वेलफेयर के हिसाब से रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करता है और ये कंसेप्ट किसने दिया था, कार्ल मार्क्स ने दिया था. दूसरी तरफ कैपिटलिस्ट इकॉनमी का कंसेप्ट है जो कि प्रोफेसर एडम स्मिथ ने दिया. इन्होंने कहा था कि आप जो है गवर्नमेंट का इंटरवेंशन मत करवाओ क्योंकि गवर्नमेंट अपने हिसाब से रिसोर्सेज को चलाएगी, वो देखेगी सोसाइटी की वेलफेयर होना चाहिए, बट जो अमीर लोग हैं उनके पास ज़्यादा पैसा होने चलते वो चीज़ों को और अच्छे से मैनेज कर सकते हैं. तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का आ गया कि जिसके पास जैसा पैसा है वो उस हिसाब से काम करेगा. किसने बोला ये चीज़, एडम स्मिथ ने बोला. फिर 19वीं शताब्दी में जीएम केनीज आए, यानी जॉन मेनार्ड केनीज, उन्होंने मिक्स्ड इकॉनमी का कॉन्सेप्ट रखा. उन्होंने कहा सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट के नेचर को मिक्स कर दो बन जाता है मिक्स्ड इकॉनमी. वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने भी किसको रिकमेंड किया, मिक्स्ड इकॉनमी को रिकमेंड किया. तो उन दिनों पर हमारे पास तीन टाइप के ऑप्शंस थे, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड. लेकिन जो हमारे पहले प्रधानमंत्री
डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, उनके दिमाग में क्या था, वो सोशलिस्ट इकोनॉमी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे क्योंकि वो सोवियत यूनियन को अपना बेस मानते थे। तो देखा गया कि जो सोवियत यूनियन, जिसको आज के में रशिया बोलते हैं, तो रशिया मतलब उन दिनों के में क्या बोलते थे, सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन ने अपना जो मॉडल है वो किस पर बनाया, सोशलिस्ट इकोनॉमी में। और देखा गया कि उसकी देखा देखी में कई सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने इस मेथड को फॉलो करके अपनी इकोनॉमी के अंदर एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन लेकर आए। तो कहीं ना कहीं नेहरू जो है, जो गांधीजियन अप्रोच है, वो सोशलिस्ट की ओर जाना चाहती थी क्योंकि वो पहले भुगत चुके थे। जब उन्होंने चीज़ों को कैपिटलाइज कर दिया था तो बाहर से एक कंपनी आती है और हमारे ऊपर गुलामी सहती है, तो उन्हें डर था कि अब भैया गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना बहुत ज़रूरी है। और वो इंटरवेंशन कहाँ मिल सकता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में। और जिसको हम अपना माई बाप मानते हैं सोवियत यूनियन, वो भी इसी फंडे को फॉलो करता है। तो आप समझ गए हो कि हमारे इंडिया का जो झुकाव है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी की ओर ज़्यादा हुआ होगा। बट यहाँ पर क्रिटिसाइज ये होने लगा कि अगर हर जगह गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा तो भाई साहब प्राइवेट सेक्टर को तो बहुत नेगलेक्ट किया जाएगा। तो इस वजह से हमने पूरी तरीके से अपनी इकॉनमी को सोशलिस्ट नहीं करवा पाया। कैपिटलिस्ट की तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि हम ऑलरेडी कैपिटलिस्ट का नतीजा भुगत चुके थे 200 साल की गुलामी के रूप में, कि हमने प्राइवेट ऑनरशिप दे दी और 200 साल तक गुलाम बनाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने और ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने। तो ये तो कॉन्सेप्ट वहीं फेल हो गया। फिर ये कॉन्सेप्ट इसलिए भी फेल हो गया क्योंकि अमेरिका के अंदर सन 1929 और 30 के अंदर ग्लोबल डिप्रेशन देखा गया, जिसके पीछे का रीजन बताया जाता है गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना होना। आप पूरी स्टेक अगर प्राइवेट हाउसहोल्ड के हाथों में दे दोगे तो ऐसे में वो सिर्फ अपना फायदा देखेंगे और अपने फायदे के लिए वो किसी भी टाइप से रिसोर्सेज का नेगलेक्ट करना शुरू कर देंगे। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना बहुत जरूरी है, पता चल गया हमें 1930 के अंदर, जिसके बाद अमेरिका के अंदर एक वॉशिंगटन कॉन्सेंसस आया। आपको पता ही है, मैंने आपको चैप्टर 1 के अंदर पढ़ाया था, आई थिंक क्लास नंबर ये आपकी 6th होगी, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था वॉशिंगटन कॉन्सेंसस। जैसे हमारे इंडिया में एलपीजी है, वैसे यूएस के अंदर जो रिफॉर्म्स आए थे उनको वॉशिंगटन कॉन्सेंसस कहा जाता है, जिसमें 10 पॉइंट को लेकर रिफॉर्म की बात की गई थी। जितने बच्चे मेरी क्लासेस को रेगुलरली देखते हैं वो 10 पॉइंट मुझे लिखकर दिखाओ कमेंट बॉक्स में कि वॉशिंगटन कॉन्सेंसस के वो 10 पॉइंट कौन कौन से थे रिफॉर्म के, पता लगे कि आप में से कितने लोग पढ़ते हैं। और जो जेनुअली हमारी क्लास को फॉलो करते हैं वो कमेंट देंगे, और जो सिर्फ टाइम पास करें वो बेटा कमेंट मत करना, तुम्हारे कमेंट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे जरूर कमेंट करना। तो ये था कैपिटलिस्ट इकॉनमी। तो देखो सोशलिस्ट के ऊपर हमारा ज्यादा झुकाव था क्योंकि हम सोवियत यूनियन को बेस मानते थे। कैपिटलिस्ट हम इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि हम ऑलरेडी भुगत चुके थे 200 साल तक, ऊपर से अमेरिका को जो हम बाप मानते थे ये भी बेचारा फेल हो गया, तो कैपिटलिस्ट तो बिल्कुल हमारे पास में नहीं था। मिक्स्ड इकॉनमी का ऐसा ऑप्शन बचा जिसको हम अडॉप्ट कर सकते थे। जॉन मेनार्ड केनीज ने एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट निकाला, बीच का रास्ता, जिसे मिक्स्ड इकॉनमी बोलते हैं। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने भी रिकमेंड किया कि भाई मिक्स्ड इकॉनमी कर लेना चाहिए डेवलपिंग इकॉनमीज के अंदर। और फ्रांस वो पहली कंट्री थी जिसने 1944 में अपनी इकॉनमी को क्या बना दिया, मिक्स्ड इकॉनमी बना दिया। अब 1994 के 3 साल बाद तो हमारा देश आज़ाद हो गया, तो हमने भी मिक्स्ड इकॉनमी की ओर रुझान दिखाया। अब मिक्स्ड इकॉनमी के भी दो चीज़ें होती हैं, ध्यान से सुनो, मिक्स्ड इकॉनमी के भी दो टाइप होते हैं, एक मिक्स्ड विद कैपिटलिज्म होता है और एक होता है मिक्स्ड विद सोशलिज्म। आपको ये आज तक नहीं पता होगा बट आज से आपको समझ आया होगा कि मिक्स्ड इकॉनमी के अंदर भी थोड़ा सा प्रोपोर्शन किसका रखेंगे, कैपिटलिज्म का रखेंगे। और दूसरा था कि मिक्स्ड इकॉनमी के अंदर थोड़ा सा हम किसका रखेंगे, सोशलिज्म। अब आप समझो कैपिटलिज्म मतलब प्राइवेट ऑनरशिप, सोशलिज्म मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल। तो आप सोच के चलो हम किसको बेस मानना चाहते थे, सोशलिस्ट इकॉनमी को, सोवियत यूनियन को देखते हुए। तो आप बताओ दोनों से इंडिया ने कौन सा चूज़ किया होगा, वेरी गुड, ये वाला चूज़ किया होगा, मिक्स्ड इकॉनमी विद सोशलिज्म। कहने को हमारी इंडिया इकॉनमी जो है वो मिक्स्ड इकॉनमी थी, बट कौन सा था, सोशलिज्म था। मतलब अभी भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इसमें बहुत ज़्यादा होता था। अब गवर्नमेंट पहले ही डरी हुई थी, 200 साल से जो है देश गुलामी सह रहा था, आज़ादी के पीछे पड़े कई सारे फ्रीडम फाइटर्स ने जान गंवाई। तो भैया इंडियन गवर्नमेंट ने साफ बोल दिया, जवाहरलाल नेहरू वगैरह ने, कि भैया अब जो भी होगा गवर्नमेंट के परमिशन के बिना नहीं होगा। गवर्नमेंट को पता होना इकॉनमी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इस वजह से इंडिया की इकॉनमी ने मिक्स्ड इकॉनमी कौन सा कॉन्सेप्ट अपनाया, मिक्स्ड इकॉनमी विद सोशलिज्म। और इन्होंने एलक्यूपी का कॉन्सेप्ट अपनाया, यानी कि अगर मैं बात करूं 1991 से पहले हमारे देश में, यानी एलपीजी के आने से पहले हमारे देश में क्या चलता था, तो एलक्यूपी चलता था। ये चीजें बहुत कम आपको बुक्स में मिलेंगी, इवन रमेश सिंह की बुक्स में भी ये चीजें नहीं दे रखी हैं। बट ये चीजें क्योंकि मैं बाकी बुक्स वगैरह भी पढ़ता रहता हूं, लक्ष्मीकांत वगैरह हो गए और भी कई सारे जो आईएएस वगैरह की बुक्स होते हैं वो पढ़ता रहता हूं, तो मुझे पता चल गया कि वहां से ये पॉइंट उठा लिया मैंने। तो एलक्यूपी का भी कॉन्सेप्ट जो है वो यहां पर चला। एल का मतलब था लाइसेंसिंग। इंडियन इकॉनमी जो है वो कहती थी कि अगर कोई भी इंडस्ट्री खोलेगा तो उसको लाइसेंस लेना ही पड़ेगा, यानी गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर वो इंडस्ट्री नहीं खोल सकता। और लाइसेंस भी हम सबको नहीं देंगे, सेलेक्टिव लोगों को देंगे जिनका गवर्नमेंट कंट्रोल आसानी से कर पाए। नंबर टू बोला गया कोटा। कोटा के अंदर ही बोला गया कि पर्टिकुलरली इन इन जगहों पर सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी ही खोलेंगी, प्राइवेट सेक्टर खुल ही नहीं सकते।
ऐसी कुल मिला के 21 इंडस्ट्रीज थी। मैं आगे जिक्र करूंगा इसके बारे में कि यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट का ही इंटरवेंशन होगा, प्राइवेट सेक्टर उसमें इंटरवीन नहीं कर सकते, यानी उन्होंने कोटा सिस्टम लगा दिया। तीसरा परमिट्स बोल दिया, परमिट्स में उन्होंने क्या बोला कि अगर आपको इम्पोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है तो आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है। बेसिकली इम्पोर्ट पे तो 100% रेस्ट्रिक्शन है, मतलब कि अगर आप इम्पोर्ट करोगे तो आपको इतना हैवी टैक्स देना पड़ेगा इम्पोर्ट ड्यूटी के मामले में कि आपकी कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी, अल्टीमेटली आप इम्पोर्ट करोगे ही नहीं, और करोगे तो कम करोगे। तो अल्टीमेटली अगर आप देखो तो इंडिया ने कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इतना ज़्यादा कर दिया कि आपके पर्सनल लाइफ में भी ये घुसना शुरू हो गए। यानी उन्होंने लाइसेंसिंग कोटा परमिट के द्वारा कहीं ना कहीं ये दिखाया कि हम इंडस्ट्रीज़ में प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को एंटर नहीं होने देंगे। यानी अल्टीमेटली इतने हार्श रूल्स बना के उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की, कहने को हम प्राइवेट सेक्टर को भी प्रमोट करेंगे, लेकिन रियलिटी क्या थी कि हम गवर्नमेंट सेक्टर को प्रमोट करेंगे। किसके थ्रू? LQP के थ्रू, मतलब आपको लाइसेंस देंगे नहीं, कोटा सिस्टम में आपको आने नहीं देंगे, परमिट्स हम आपको देंगे नहीं। तो अल्टीमेटली क्या है कि भैया गवर्नमेंट चाहती है पूरी तरह से सोशलिज्म, कहने के लिए मिक्सड विद सोशलिज्म था, लेकिन देखा जाए तो पूरा सोशलिज्म वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने अप्लाई कर दिया था रशिया की तरह, समझ आई बात। यही हमारे इंडिया का बैकबोन, मतलब कह सकते हो लूप होल बन के निकला। हमने जब ये LQP की पॉलिसी चलाई 1991 तक, मतलब देश के आज़ाद 1947 से लेकर 1990 तक हमारी यही पॉलिसी चलती रही, और इसकी वजह से इंडिया को एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। वो बहुत बड़ा खामियाजा क्या भुगतना पड़ा, इकॉनमी के अंदर 1991 के अंदर क्राइसिस आ गई, जो कि अभी तक की हमारी भारत की सबसे बड़ी क्राइसिस है। 2008 से भी बड़ी क्राइसिस हुई थी 1991 के अंदर। क्यों हुई थी वो सुनो। सबसे पहली चीज कि हमारा जो इनडेप्टनेस है, मतलब उधारी है, वो पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। अब दोस्तों हम उधार कब लेते हैं, जब हमारे पास अपना पैसा ना हो। अब क्या है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो इतने वेल्डअप नहीं थे, हमें गल्फ कंट्रीज के ऊपर, सऊदी अरेबिया जैसी जो कंट्रीज हैं, ओपेक जैसी कंट्रीज हैं, उन पर डिपेंड रहना पड़ा ऑयल को लेकर, क्योंकि वहां पर ऑयल मिलता था। अब ऑयल को लेने के लिए हम अपनी इंडियन करेंसी नहीं दे सकते, हमें फॉरेक्स देना पड़ता था, फॉरेन करेंसी देना पड़ता था, जिसके चलते हमने देखा कि हमारी जो उधारी है वो बढ़ने लगी। अब उधारी जब बढ़ेगी तो जो हमारा BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट वो नेगेटिव में आ जाएगा। दूसरा कि जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो रिड्यूस हो जाएंगे, भाई जब हम पेट्रोल खरीदेंगे बाहर से, इंपोर्ट ज्यादा करवाएंगे, तो हमें बदले में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देना पड़ेगा, तो जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज का भंडार है वो धीरे धीरे कम होने लगा, और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1991 में सिर्फ 14 दिन का बचा था। मतलब अगर हमें ऑयल को इंपोर्ट करना तो हमारे पास जो पैसा है वो सिर्फ 14 दिन का बचा, यानी 15वें दिन कहां से ऑयल आएगा हमें भी नहीं पता। ये खतरनाक सिचुएशन इंडिया के अंदर आ गई। तीसरा, गल्फ वार हुआ। अब गल्फ वार में क्या होता है, जब भी दो कंट्री के बीच में वॉर होती है तो ऐसे में क्या होता है कि जो कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज हैं वो बढ़ने लग जाती है, और कंज्यूमर गुड्स पर ध्यान कम दिया जाने लगता है। मतलब जो कंज्यूमर के लिए गुड्स होते हैं वो कम बनते हैं, और जो आपकी आर्म्स एंड इंडस्ट्रीज होती हैं वो प्रमोट रहती है, वो गन्स वगैरह का प्रोडक्शन ज़्यादा करती है। तो ऐसे में जो है क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखा गया कि ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए, क्योंकि पहली बात हम इंपोर्ट करते थे और इंपोर्ट भी हमने महंगा कर दिया, क्योंकि भैया हमारे पास फॉरेक्स नहीं बचा था। तो अल्टीमेटली ऑयल के प्राइस क्या होने लगे, बढ़ने लगे। चौथा, इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन पर आ गई। अब एक बात बताओ, इंडस्ट्रीज अगर वॉर के लिए गुड्स बनाएगी तो कंज्यूमर गुड्स वो नहीं बना पाएगी, तो कंज्यूमर गुड्स जो है मार्केट में कम रिलीज होंगे, सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ेगी। तो जब भी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम होती है, तो क्या हो जाती है, इन्फ्लेशन हो जाती है। और इन्फ्लेशन के भी कई टाइप्स होते हैं, मैं आपको चैप्टर 8 में पढ़ाऊंगा इन्फ्लेशन के कितने टाइप्स होते हैं। उसमें एक टाइप होता है हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन के बाप का भी बाप होता है ये, इतनी तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाती है। पांचवा पॉइंट है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब है गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं वो बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ था, गवर्नमेंट ने बनाए हुए थे PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब आप जानते हो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो गवर्नमेंट ने साफ साफ बोला कि भैया हम तो इंटरवेंट हर जगह करेंगे, हम अपनी इंडस्ट्रीज खोलेंगे, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को प्रमोट ही नहीं करेंगे। तो उन्होंने जब अपनी इंडस्ट्रीज खोली तो उसमें क्या किया, उन्होंने PSUs खोला, जिसमें 100% कंट्रोल किसका था, मतलब मोर देन 51% या कह लो 51% स्टेक किसकी होती थी, गवर्नमेंट की होती थी। इसे बोलते हैं PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो ऐसे में PSUs पर इन्होंने खर्चा करना शुरू किया। अब PSUs में काम करने वाले कर्मचारी, उनको सैलरी भी देनी पड़ती थी, काम करें या ना करें लेकिन सैलरी तो जाएगी जाएगी। तो ऐसे में गवर्नमेंट के खर्चे बढ़े और आय कम हो गई, मतलब इनकम कम हो गई और खर्चे बढ़ गए, तो इससे जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ गया। फिस्कल डेफिसिट मतलब वित्तीय घाटा हमारा बढ़ गया, और आप मान के चलो जितनी भी हमारी GDP थी उसका 8.4% तो हमारा घाटा होता था। लेट सपोज हमारा GDP 10% है, तो उस 10% में से 8.4% तो फिस्कल डेफिसिट है हमारा। मतलब जब भी हम फिस्कल डेफिसिट निकालते हैं वो GDP के कॉन्टेक्स्ट में निकालते हैं। और छठा है, जो PSUs है वो वाइट एलिफेंट की तरह हो गई थी, लॉस मेकिंग। वाइट एलिफेंट का मतलब होता है कि ऐसे हाथी जो सिर्फ हमें लॉस ही लॉस दे रहे हैं। तो ये सारे रीजंस थे जिनकी वजह से हमारे इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आए, मतलब आर्थिक तंगी आ गई, क्योंकि हम उधारी पर जी रहे थे, 14 दिन का हमारे पास पैसा बचा था फॉरेक्स रिजर्व के मामले में, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे जिसके चलते इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो गई, गवर्नमेंट के खर्चे बहुत हो गए थे, PSUs
ढंग से काम नहीं करी थी, खर्चे दबा के करी थी, तो इन सभी रीजंस की वजह से हमारे इकोनॉमी में क्या आया, क्राइसिस आया। और ये कब की बात बता रहा हूँ, सन 1990 की बात बता रहा हूँ। अब 1990 के अंदर अगर आप मुझसे पूछो कि प्रधानमंत्री कौन थे, मैं कहूँगा नरसिंहा राव, और फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे कौन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो पहले कभी पीएम हुआ करते थे, वो उन दिनों पर फाइनेंस मिनिस्टर थे। दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है बहुत ही अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी इकोनॉमिक्स इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि जो हमारे अमेरिका के अंदर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है उनमें मनमोहन सिंह की किताबें चलती हैं लिखी हुई, मतलब राइटर मनमोहन सिंह के एक अच्छे राइटर हैं, उनकी किताबें चलती हैं, वो खुद भी वहाँ से पढ़े हुए हैं, तो आप समझ जाओ उनके दिमाग का लेवल क्या होगा। तो क्या हुआ कि इंडिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनको बागडोर संभाली गई और कहा कि भैया तुम फाइनेंस मिनिस्टर हो, पैसा कहाँ से लाना है, कैसे लाना है, अब तुम सोचो। तो क्या हुआ, रातों रात इन्होंने मीटिंग बुलाई, किसको, नरसिंहा राव और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, दोनों उन्होंने बैठे और दोनों ने डिस्कस किया अब क्या करें भैया, 14 दिन की बात है, 14 दिन के 15वें दिन तो फिर हमें कोई गुलाम बना ले जाएगा, तो ऐसे में क्या किया जाए। तो इनके दिमाग में एक आइडिया है, इन्होंने एक काम कहा कि भाई जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, और जो IBRD और IDA, मैं आपको एक बात बताऊं, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसका बेसिकली काम क्या होता है, वैसे मैं आपको एक चैप्टर है उसके अंदर बताऊंगा कि इनकी क्या फंक्शन है, ये कैसे बनाए गए और क्या क्या काम होता है, बट अभी थोड़ा सा सर्फेस नॉलेज ले लो। IMF का काम होता है कि जिन जिन इकॉनमी का BOP नेगेटिव हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव हो गया, उनको फाइनेंस प्रोवाइड कराने का काम किसका होता है, IMF का, शॉर्ट टर्म लोन देने का काम। IBRD का होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और अगर इसमें हम IDA को जोड़ दें, इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तब ये बन जाता है वर्ल्ड बैंक, यानी अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तब जाके बनता है मेरा वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ये बात याद रखना। मैंने जानबूझ के वर्ल्ड बैंक ना लिख के मैंने IBRD और IDA लिखे थे, जिससे आपको ये पता चल जाए कि IBRD और IDA को जोड़कर बनता है वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, दोनों को जोड़ के क्या बना, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है कि जब भी वॉर होती है, वॉर की वजह से इकॉनमी जो है वो डिवेस्टिकेटेड हो जाती है, बहुत बेकार हो जाती है, तो उस केस में लॉन्ग टर्म का फाइनेंस कौन प्रोवाइड कराता है, वर्ल्ड बैंक, और BOP की क्राइसिस की वजह से लोन शॉर्ट टर्म का कौन प्रोवाइड कराता है, IMF। हम दोनों के पास गए, दोनों के पास जाके हमने बोला कि भैया देखो हमारी इंडिया को पैसों की जरूरत है, और कितने पैसों की जरूरत है, $1.5 बिलियन की जरूरत है, अगर हम इसको उस जमाने के करेंसी एक्सचेंज रेट के हिसाब से कन्वर्ट करें तो ये बनता है 3,275 करोड़, अगर हम आज के हिसाब से करें तो ये फिगर आपकी 18,000-30,000 करोड़ से भी ऊपर जाएगी, तो 3,275 करोड़ का लोन दे दें। अब बताओ एक बात कि इंडिया की उस टाइम फाइनेंशियल पोजिशन क्या थी, 14 दिन का पैसा था, और ये हमसे लोन कितना मांग रहे हैं, कितना बताओ, $1.5 बिलियन, 3,275 करोड़ का लोन मांग रहे हैं। क्या अगर आप IMF के मेंबर होते या उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते, क्या आप देते, बिल्कुल भी नहीं देते। ऐसे इंसान को आप लोन कभी नहीं दोगे जिसके पास 14 दिन का बचा और इतना ज़्यादा बड़ा अमाउंट का लोन ले रहा हो। तो इन्होंने बोला कि देखो लोन तो हम दे देंगे, बट इसके लिए आपको अपनी इकॉनमी के अंदर कई सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे, और इसके लिए आपको एक मैकेनिज्म यूज़ करना पड़ेगा जिसे बोलते हैं एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। मतलब ये कि हम हर इकॉनमी को पैसा दे देंगे, नो डाउट, चाहे आप कितने भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए जो तरीका होगा, जो मोड होगा, वो क्या होगा, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। अब आप कहोगे सर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि IMF और वर्ल्ड बैंक बोलेंगे कि आपको हमारे हिसाब से अपनी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, क्योंकि हम चाहते हैं आपको हमारी पॉलिसीज के तहत इस लायक बना दें कि आप हमारा लोन भी दे दो और हमारा इंटरेस्ट भी दे दो, हम आपको इस लाइक बनाना चाहते हैं। तो इस लाइक बनाने के लिए आपको अपने इंडिया के अंदर हमारे बताए हुए कुछ जो रूल्स हैं वो मानने पड़ेंगे, और इसी को क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। तो वही लिखा हुआ है कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऑब्लिगेशन जो है वो अपनी इकॉनमी के अंदर लगानी पड़ेंगी। अब वो क्या ऑब्लिगेशन है जानते हो, वो ऑब्लिगेशन आपकी कंडीशन और मेजरमेंट के थ्रू थी, और इसको बोला जाता है राव मनमोहन प्लान। राव मतलब PC नरसिंहा राव, और मनमोहन मतलब जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तो दोनों के नाम से इस प्लान को बुलाया था राव मनमोहन प्लान। तो इंडिया ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, आप हमें EFF के हिसाब से ही लोन दे दो, मतलब कि आप हमें लोन दो और अपनी शर्तें बताओ। तो इन्होंने कहा ठीक है मेरी शर्त सुनो, शर्त ये है कि दो तरीके से, तो क्या कहा गया कि कंडीशन रखी गई, कंडीशन क्या रखी गई, 4 कंडीशन रखी गई और 2 मेजरमेंट बोले गए। कंडीशन नंबर 1 ये बोला गया कि आप अपने रुपीस की वैल्यू को डीवैल्यू करो, डीवैल्यू का मतलब है आप अपने पैसों की वैल्यू बढ़ाओ, यानी जो $1 उस जमाने में 21 रुपए का आता था उसको बढ़ा के कर दो 27, मतलब डॉलर की वैल्यू तो बढ़ जाएगी लेकिन इंडियन करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि पहले आपको $1 21 रुपए में मिलता था, अब सेम $1 आपको 27 रुपए में मिलेगा, मतलब आपको 6 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा पर डॉलर। तो कहा गया आप इंडियन रुपीज को डीवैल्यू करो, वो भी कितने परसेंट से, 22% से, चलो ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा आप अपने पास इम्पोर्ट जो टैरिफ लगाया हुआ आपने कि बाहर से अगर हम कहीं भी कोई माल मंगाएंगे इम्पोर्ट करेंगे तो उस पर जो आप टैक्स लगाते हो उस टैक्स को कम करो, जो आप पहले 130% का टैक्स लगाते, यानी 100 रुपए का माल जब बाहर से आता था तो आप उसको कितना कर देते थे, 230 रुपए कर देते थे, तो आप उसको कम करो, आप उसको कम करके 30% करो, यानी बाहर से जो माल आ रहा है उसके ऊपर लगाया हुआ जो टैक्स है इंपोर्ट ड्यूटी, उस रेट को क्या कर दो, कम कर दो।
तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर हम इंपोर्ट ड्यूटी कम कर देंगे तो भाई हमारे पास पैसा जो आता था, सोर्स ऑफ फंड था हमारा, सोर्स ऑफ इनकम थी, वो तो चली जाएगी। तो IMF ने बोला कि कोई बात नहीं, आप जो एक्साइज ड्यूटी लेते हो उसको बढ़ा दो। कितने परसेंट से? 20% तक आप बढ़ा सकते हो। हाइक मतलब होता है बढ़ाना। एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दो। अब एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? जब हम गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम जो टैक्स लगता है दैट इज कॉल्ड एक्साइज ड्यूटी। खैर अब तो वो हट गया, अब तो GST आ गया, बट हाँ GST से पहले यानी 2017 से पहले एक्साइज ड्यूटी लगता था। तो उन्होंने कहा अगर आपका यहाँ से इनकम सोर्स कम हो रहा है तो आप यहाँ से बढ़ा लो, आप एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा लो, जिससे आप अपने लॉस को न्यूट्रलाइज कर पाओ, जो ऊपर आपको लॉस हो उसकी भरपाई आपकी यहाँ से हो जाए। और चौथी बात उन्होंने बोली, आप अपने जो खर्चे हैं उसको 10% से कम करो। जैसे आपने सरकारी दफ्तर खोले हुए हैं उसमें आप सैलरी दे रहे हो, अब SBI बैंक में क्या होता है, काम धंधा थोड़ी होता, उसमें सैलरी फंड फ्री फंड की मिलती है, तो भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप अपने खर्चों को कम करो। यानी कंडीशन क्या रखी है IMF और वर्ल्ड बैंक ने कि आपको ये चार चीजें करनी है, आपको रुपए की वैल्यू कम करनी, आपको इंपोर्ट टैरिफ को घटाना है, आपको एक्साइज ड्यूटी बढ़ानी है जिससे आपकी जो लॉसेस है वो सेट ऑफ हो जाए, कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज हो पाए, और चौथा आप अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को 10% से क्या कर दो, कम कर दो। ये चार कंडीशन होगी। और उन्होंने कुछ मेजर्स दिए। मेजर्स में क्या बोला कि आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टेबलाइजेशन मेजरमेंट को यूज़ करना है, मतलब आपको कुछ भी करके अपने यहाँ पर लोगों से डिमांड ज़्यादा करवानी है, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है। एग्रीगेट डिमांड मतलब क्या होता है, एक साल के अंदर आप प्लान्ड एक्सपेंडिचर कितना ज़्यादा हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। और उन्होंने दूसरा बोला स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजरमेंट करो, मतलब आपको सैलर के हिसाब से एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाना है। अब आप कहोगे सर ये चार चीज़ें तो समझ आ गई, लेकिन ये दो पॉइंट नहीं समझ रहे, मैं आपको समझाता हूँ। इन्होंने कहा कि आपके यहाँ पर जो डिमांड है प्रोडक्ट की उसे बढ़ाओ। अब आप कहोगे सर डिमांड कैसे बढ़ेगी, तो अगर लोगों की सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाए, लोगों की जेब में पैसा ज़्यादा आ जाए, तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे। भाई देखो 10 तारीख को मुझे सैलरी मिलती है, अगर मुझे 10 तारीख को सैलरी मिल जाएगी तो मैं 11, 12, 13, 14, 15 तारीख को क्या करूँ, दबा के खर्चा करूँगा। जब मैं दबा के खर्चा करूँगा तो मैं कहीं ना कहीं प्रोडक्ट खरीदूंगा, जब मैं प्रोडक्ट खरीदूंगा तो इंडस्ट्रीज़ की जो सप्लाई है वो बढ़ेगी, इंडस्ट्रीज़ का प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा इकॉनमी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो GDP बढ़ेगी। तो आप देख रहे हो इस पूरे चक्र को। तो वही बात बोली गई, आप मेजरमेंट में AD को बूस्ट करो और AS को बूस्ट करो। AD मतलब कस्टमर का बेस बढ़ाओ, कस्टमर की सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाओ, और AS का मतलब आप सप्लायर का सोर्स ऑफ सप्लाई बढ़ाओ, प्रोडक्शन बढ़ाओ। तो इन दो पर फोकस करो। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये कंडीशन और ये मेजरमेंट बढ़ाएंगे कैसे, मतलब आपने बोल दिया रुपीस को डीवैल्यू करो, आपने बोल दिया इंपोर्ट को टैरिफ को रिड्यूस करो, कैसे करेंगे सर, कैसे एकदम से करेंगे तो जनता तो हमारे पीछे पड़ जाएगी, इंडस्ट्रीस्ट बोलेगा कि आपने पहले इतना कम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो अब इसको कैसे किया जाए। तो इस पूरे केस को करने की प्रोसेस को ध्यान से सुनो, मैं क्या बोलाऊँ, कंडीशंस और मेजरमेंट की करने की प्रोसेस को LPG कहा जाता है। यानी ये देखो लिखा हुआ है कि इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरे रिफॉर्म प्रोसेस को भारत के लिए जो किया वो किसके थ्रू किया, LPG जिसको बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, अरे नहीं नहीं नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। मतलब कि आप LPG को LPG मत समझो, आप ये समझो कि LPG सिर्फ प्रक्रिया है, ये चार और ये दो चीज़ें करने का, मतलब छह चीज़ों को कैसे किया जाएगा उसके लिए जो हमने प्रक्रिया बनाई है, दैट प्रक्रिया इज कॉल्ड LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो पहले आप मुझे एक बात बताओ, आपको ये समझाइए कि LPG का कॉन्सेप्ट इंडिया में क्यों लाना पड़ा, क्यों हमें अपनी इकोनॉमी के अंदर रिफॉर्म्स लाने पड़े, क्योंकि ये सारे रीजंस थे। और ऐसे ऐसे हम IMF के पास गए, ऐसे ऐसे IMF ने हमारे पास कुछ कंडीशंस बोली, कुछ मेजरमेंट बोले, इसको करने के लिए हमने क्या पॉलिसी बनाई, LPG पॉलिसी बनाई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। मैंने अभी आपको ये नहीं समझाया LPG क्या होता है, मैंने अभी आपको ये समझाया कि LPG क्यों आया, कैसे आया, उसके पीछे क्या रीजंस थे। आपको हिस्ट्री समझाई, जितनी ज़्यादा आपकी हिस्ट्री स्ट्रांग होगी उतना ही आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा डेवलप होगा, ठीक है। चलो अभी आपका ये पॉइंट क्लियर है ना, अब एक बार बुक से रीडिंग लगाते हैं, देखना बुक कितनी ज़्यादा ईजी लगी आप लोगों को। तो चलो मैं एक बार बुक को निकाल लेता हूँ, बुक में आपका चैप्टर नंबर है 6। चलो भाई चैप्टर नंबर 6 हमने निकाल दिया, चलो आओ देखो इधर चैप्टर नंबर 6 पर आ गए, यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट होता है। आपको ये इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ना, ये सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी, ठीक है। अब तो ये वेस्टेड ऑफ टाइम है अगर आप एक एक लाइन पढ़ोगे तो। आपको क्या पढ़ना है, देखो आप अपने घर से खुद रीडिंग लगाओगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म ये पूरा आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि अभी अभी मैंने समझाना है। अगर मैं बेटा लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा तो आपको बच्चे थोड़ी कि ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल हाथ पकड़ पकड़ के कराऊंगा, आपको बेस बता दिया, अब आप अपना पढ़ोगे तो पूरा आपको समझ आ जाएगा। मेन चीज़ क्या जो हाईलाइट किया हुआ है, देखो प्लानिंग मॉडल की बात कर रहा हूँ। अब ये जो बुक बोली है ना, ये बुक यहाँ से स्टार्ट हो रही है,
ये कह रही है हमारे पास तीन टाइप के मॉडल थे। अब देखो मैंने आपको किस तरीके से पढ़ाया, अब बुक वाला कैसे पढ़ा रहा है। देखो बुक ने कहा कि सोवियत यूनियन जो है वो किस मॉडल को अपना रही थी, वो अपने पास सोशलिज्म मॉडल को अपना रही थी, और इसकी देखा देखी में बाकी जो डेवलपिंग कंट्री है वो भी इनको फॉलो करने लगी, तो हमारी इंडिया भी इसको कहीं ना कहीं मानने लगी। फिर यहाँ पर क्या गया, वॉशिंगटन कॉन्सेंसस, ये बात मैं कर रहा हूँ इसकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, ठीक है। इसके अंदर क्या बोला गया कि कहा गया कि भैया एडम स्मिथ ने कहा है कि कैपिटलाइज तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन ये भी फेल हो गया था 1929-30 के अंदर, जैसे ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं। फिर वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला कि एक न्यू लिबरलिज्म पॉलिसी चलानी चाहिए, मतलब वॉशिंगटन कॉन्सेंसस की को बोलो न्यू लिबरलिज्म पॉलिसी, लेकिन ये 1930 के अंदर क्या होगी, फेल होगी। तब कॉन्सेप्ट किसका है, मिक्स्ड इकोनॉमी का है, जो कि जॉन मेनार्ड केनीज लेकर आए। अब जेएम केनीज के द्वारा जो लाया गया, इसके बाद क्या हुआ, इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे क्राइसिस आने शुरू हो गए। अब हम बात कर रहे हैं रिफॉर्म्स इन इंडिया, देखो क्या लिखा हुआ है, ये देखा गया कि हमारे यहाँ पर जो फॉरेन डेप्टनेस है, मतलब उधारी है, वो लेवल हमारा उधार का बढ़ गया। कब, 1991 में, जिसके से बीओपी में क्राइसिस आने लगे। बीओपी में क्राइसिस आने की वजह से जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो घटना शुरू हो गया, जिसके से ऑयल प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और देखा कि इकॉनमी हमारी डाउनफॉल में जाने लगी, और गल्फ वॉर के चलते हमारा बीओपी नेगेटिव में आ गया। देखा गया कि जो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो 8% था हमारी जीडीपी का, और हाइपर इन्फ्लेशन है। दोस्तों यही सारे पॉइंट को मैंने बहुत सिंप्लीफाई तरीके से, ये देखो ये लिखा हुआ है, मैंने क्या बोला बुक से, अब आप पढ़ोगे आपको एक ही पॉइंट समझ आएगा जब आपने इसे पढ़ा होगा, इसको नोट कर लेना, ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। फिर बात की गई है कि किस तरह से इस चीज़ को सही किया गया, तो हमने IMF और वर्ल्ड बैंक से हेल्प ली, और उन्होंने कहा एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी हम आपको देंगे। अब ये पढ़ोगे आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको देखो सिंप्लीफाई तरीके से बता दिया, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी क्या होता है, ये होती है उसमें कुछ कंडीशंस होते हैं और कुछ मेजरमेंट्स होते हैं, और देखो बुक ने भी यही बात लिखी हुई है कि IMF ने बोला कि अगर आपको पैसा चाहिए तो हम आपको दे देंगे एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के थ्रू, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, राव मनमोहन प्लान बोला जाता है। इसके अंदर क्या बोला गया, देखो ये चार पॉइंट मैंने आपको पढ़ाए थे, ये वाले डिवेल्यूशन वगैरह ये पढ़ाए थे, देखो बुक ने भी यही चीज़ लिखा हुआ है। IMF ने कंडीशन क्या रखी कि आप अपने पैसों को डिवेल्यू करो 22% से, आप क्या करो अपनी इंपोर्ट टैरिफ पॉलिसी को 130% से घटा के 30% कर दो, आप एक्साइज ड्यूटी को हाइक कर दो, मतलब बढ़ा दो 20% से, ताकि आपकी लॉस को न्यूट्रलाइज किया जा सके। गवर्नमेंट ने कहा अपने एक्सपेंडिचर को डाउनफॉल करो 10% से। जब ऐसा किया गया तो IMF ने कहा कि आप अपने स्ट्रक्चर में चेंज लेकर, जिससे आपको फायदा पहुंचेगा। इसके बाद ये देखो मैंने आपको मेजर्स बताए थे, मैक्रो लेवल और स्ट्रक्चर लेवल पे एग्री डिमांड को बूस्ट करो, AS को बूस्ट करो, वही लिखा हुआ। देखो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन मेजरमेंट में क्या बोला गया कि आप क्या करो बूस्ट करो एग्री डिमांड को, और स्ट्रक्चर रिफॉर्म में क्या बोला गया आप अपनी एग्रीगेट सप्लाई को क्या करो बूस्ट करो, यही चीज लिखी हुई है। इसके बाद हमारे यहां पर इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला गया, LPG, ये देखो मैंने अभी आपको पढ़ाया कि इस पूरी प्रोसेस को करने की प्रक्रिया को क्या बोला गया, LPG, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन। अब इसकी एक लाइन पढ़ लो, द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म इन इंडिया हैज टू कंप्लीटेड बाय 3 प्रोसेस, इस पूरे काम को करने के लिए हमें 3 प्रक्रियाएं बनानी पड़े, दैट लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसे पॉपुलरली हम क्या बोलते हैं LPG बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और इसका क्या करेक्टरिस्टिक्स है, हम चाहते हैं इकोनॉमी को एक सही डायरेक्शन मिले जिसे हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन, सही पाथ मिले जिसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन, और अपने गोल्स को अचीव करें जिसे बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। बोलो क्लियर हुआ, तो अभी मैंने आपको ये नहीं पढ़ा LPG क्या होता है, मैंने आपको ये पढ़ा है LPG की जरूरत क्यों पड़ी, बोलो क्लियर है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे LPG के एक एक चीज़ के, इसके लिए भी मैंने नोट्स बनाए, डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। आज मैंने आपका एक बेस बनाया कि LPG की इकोनॉमी को जरूरत क्यों पड़ी, आखिर क्या आर्थिक तंगी आई थी जिसके चलते हमने ये सारे काम किए। तो आई होप गाइस कि जो आज का टारगेट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। आज के टारगेट में मैंने क्या बोला था कि आज हम 3 चीज़ें करेंगे, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, GS बिल्कुल हमने कर लिया, हम इकोनॉमिक रिफॉर्म पढ़ेंगे बिल्कुल, और इकोनॉमिक रिफॉर्म इंडिया में कैसा है ये भी हमने पढ़ लिया, बोलो क्लियर है। चलिए दोस्तों अब मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आप अपनी करंट अफेयर्स की भी तैयारी करना चाहते हो, उसके लिए हमारा एक और YouTube चैनल है जिसका नाम है इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स, उसको भी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि कोई भी नई अपडेट आए तो आप वहां तक पहुंच सको, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।